सीतापुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 5 लोगों की हत्या, फिर खुद को गोली से उड़ाया। यूपी के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रामपुर थाना क्षेत्र के पलहापुर में एक शख्स ने अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। सबसे बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है, पुलिस जांच में जुटी है, जहां एक ही शख्स ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद को भी गोली से उड़ाया। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता सुनील आनंद के साथ। मैं हूं सुनील आनंद। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा, 6 लोगों का मर्डर एक साथ हुआ है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी मौके पर हैं। सीतापुर SP चक्रेश मिश्र की मुताबिक अगर बात की जाए तो मानसिक रूप से विक्षिप्त एक शख्स ने अपने परिवार को मिटा दिया। हालांकि उसने अपने बीवी बच्चों और माँ को मिटा दिया है। पुलिस का यह दावा है कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स ने जो है पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन वही दूसरा सवाल है कि जो है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो 6 लोगों को एक साथ हत्या कैसे कर सकता है, ये एक चिंताजनक सवाल है। लेकिन इस पर शार्प मीडिया की नजर बनाए हुए है। तब तक आप देखते रहिए। देखिए SP सीतापुर के चक्रेश मिश्रा क्या बता रहे हैं, मौके के जो विजुअल्स आए हैं वो शार्प मीडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शार्प मीडिया के लिए सुनील आनंद, सीतापुर। थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पालापुर से आज सुबह पुलिस को यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसका नाम अनुराग सिंह, उम्र 45 वर्ष बताया जा रहा है, इसके द्वारा अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करके स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके से जब पुलिस के द्वारा जांच की गई तो वहाँ पर इनकी माता सावित्री देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष, पत्नी जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष, व 3 बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 12, 9 और 6 वर्ष की है, इनको इन्होंने मारा है, उसके पश्चात खुद को मारा है। पुलिस के द्वारा, FSL टीम के द्वारा संपूर्ण पहलुओं की जानकारी की जा रही है, विस्तृत जाँच के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।